हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडो वर्ल्ड में। आज के इस टिप एंड ट्रिक्स वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर के फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में बहुत सारी सॉफ्टवेयर होती है, लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गई, नोटपैड हो गया, वन नोट हो गया, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड में काम किया, एक्सेल में काम किया, तो हम अपने फाइल को सेव करते हैं, उसे ऐप में डालते हैं, ई फोल्डर में डालते हैं या डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं। अब जैसे हमें सर्च करना, तो हमारे पास बहुत सारी फोल्डर्स रहती है, लाइक हमें वर्ड की कोई फाइल सर्च करनी है, हमें नाम याद नहीं है, तो हम हर फोल्डर्स में जाएंगे और वहाँ पर सारे वर्ड्स की फाइल को सर्च करेंगे, तो ये काफी टाइम टेकिंग होता है। तो आज मैं आपको यही ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आपको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक बार में ही सर्च कर सकते हैं। हम सभी के लैपटॉप या कंप्यूटर में सर्च बॉक्स होता है, आपको बस करना क्या है, आपको हर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन याद रखना है। जैसे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx डॉक्स, तो यहाँ पर डॉक्स की जितनी फाइलें हैं वो खुल जाएगी। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे, तो एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखे हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पता लगाना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट को किस फोल्डर में सेव किया था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन फाइल लोकेशन, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने इस डॉक्यूमेंट को कौन से फोल्डर में सेव करके रखा है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर डाउनलोड में है, तो इस तरह से आपने किस फोल्डर में सेव करके रखा है वो भी पता लगा सकते हैं और डायरेक्ट वहीं से फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एक्सेल का कोई फाइल सर्च करना है, तो हमें हर फोल्डर में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हम टाइप करेंगे .xls, ये एक्सेल की एक्सटेंशन होती है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक कर लेना है, तो जितनी भी एक्सेल की फाइल हमने सेव करके रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी, आप डायरेक्ट यहीं से फाइल को ओपन कर सकते हो। इसी तरह से अगर हमें पावर पॉइंट की फाइल सर्च करनी है, तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है PPTX, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर सारी पावर पॉइंट की फाइल आ गई है, अब आप इसे यहीं से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नोटपैड की फाइल सर्च करनी है, तो यहाँ पर आप टाइप करोगे .txt, तो यहाँ पर सारी नोटपैड की फाइल्स आ गई है। तो गाइस, आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, आपको बस एक्सटेंशन पता होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना टाइम काफी बचा सकते हो। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई फाइल में काम करती हूँ और मैं कहाँ सेव कर देती हूँ मुझे याद नहीं रहता है, देन आई विल फॉलो दिस ट्रिक और इससे मेरा काफी समय बच जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपके काफी काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।